I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save me? Won't you save me? I am out here alone, 'cause there's nobody left. I need someone to talk to, get this pain on my chest. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो डेडिकेटेड है एक स्पेशल पप के ऊपर और अल्लाह ताला ने इसको मौजज़ाना तौर पे ज़िंदगी अता की है। और ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आप लोग एक नीडी एनिमल को, बेज़रर एनिमल की किस तरह से आप लोग हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोग, पाकिस्तान में ट्रेंड है कि जब कोई आप एनिमल देखते हैं नीड में होता है, बजाय इससे कि ख़ुद से हेल्प करें, ज़्यादातर लोग जो है वो फाउंडेशंस को या एनिमल रेस्क्यूअर्स को कॉल करते हैं, जो कि ज़्यादातर बाद में जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। और इसके बाद इसकी इस बारे में भी मैं डिटेल में एंड पे थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि हमने इस पपी को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं और किस तरह से हमारे वेट ने कोशिश करके क्या चीज़ें करके इसको रिकवर किया और इसको क्या मसला था, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, वेट हैं डॉक्टर अकील साहब, यहाँ पे उनको ये कचरा दान से मिला था और ये तकरीबन 15 से 20 दिन का पपी था। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर, और इसके जॉ लाइन से लेके इसके तकरीबन गर्दन के नीचे तक काफ़ी बड़ा एक कट था और अंदर से इसके तकरीबन ऑर्गन्स नज़र आ रहे थे और हमें लग रहा था कि ये नहीं बच सकता। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से जो है वो ना उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। हमने कोशिश की, ख़ास तौर पर मैं क्रेडिट दूंगा डॉक्टर साहब को, उन्होंने अब किस तरह से कोशिश की ये बताते हैं। सबसे पहले तो एंटीसेप्टिक जो क्लीनिंग है उन्होंने वो स्टार्ट किया उसको, और एंटीबायोटिक्स जो भी ट्रीटमेंट होता है क्लिनिकली, उसके अलावा हैंड फीड जो दूध जो है वो फीडर से, फीडर के थ्रू देना शुरू किया। लेकिन पपी के अंदर अभी भी कुछ जान बाकी थी, तो उसने 2 से 3 दिन में, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर, उसने दूध खुद से थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर दिया। और जब ये दूध पीता था तो ये देख के बहुत ज़्यादा दुख होता था कि जब ये दूध पी रहा होता था तो एक साइड से इसकी जो दूध था वो नीचे की तरफ गिर रहा होता था, क्योंकि इसका पूरा मुंह जो है वो कटा हुआ था और पूरी तरह से फीड नहीं ले पा रहा था ये। और इसको दिन में कहीं दो, अक्सर तो 2 से 3 दफ़ा जो है वो इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पस थी वो इसके ज़ख्म के अंदर पड़ी हुई थी। और तकरीबन इसको मेरे ख्याल से 1.5 माह होने वाला है हमारे पास, यहाँ हो चुका है शायद इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैंने टाइम नोट नहीं किया। और अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी है, इसको हमने डिवर्मिंग कर दी थी इसकी, इसकी हमने वैक्सीनेशन कर दी है, आप लोग देख सकते हैं वैक्सीनेशन भी इसी कर दी है हमने। और अब जो मेन जो मेरा बात की वीडियो बनाने का मकसद था वो 2-3 लोग के टाइप्स के जो लोग हैं उनके बारे में बात करने के लिए। अक्सर मैं देखता हूँ मुझे कमेंट्स आते हैं कि अडोप्ट करें, शॉप ना करें, या फिर जो है आप स्ट्रे कैट्स पालें, स्ट्रे डॉग्स पालें, आप जो है ब्रीड की तरफ ना आ जाए। मुझे वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जब हम कोई अडॉप्शन के लिए कॉल करते हैं, लास्ट टाइम मैंने किटन के लिए कॉल की अडॉप्शन के लिए, किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया ख़ास। उसके अलावा जब ये लोग बात करते हैं, कमेंट करते हैं, बुरा भला कहते हैं किसी को, तो ये लोग कहाँ जाते हैं जब हम अडॉप्शन के लिए कहते हैं कि आप आगे आएँ, आप स्ट्रे किटन को या स्ट्रे जो है डॉग को अडोप्ट करें, इनको घर दें, तब ये लोगों की जो है वो इतनी होशियारी, इतना जो जज्बा होता है, ये कहाँ पर जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं उन NGOs की जो बहुत सारी फंडिंग लेते हैं लोगों से और काम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब बात आती है कि यार इसको हमने रेस्क्यू करना है, तो वो जो सबसे पॉपुलर केस होता है लाहौर के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर, उसकी तरफ सारे लपकते हैं, बजाय इसके कि एक स्ट्रे एनिमल जो है वो आपकी मदद का मुंतज़िर है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर केस होता है सारे उसकी तरफ ही जाते हैं, क्योंकि मैं 5-6 साल से इस काम के अंदर हूँ, थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, तो मुझे इस वजह से बहुत सारा आइडिया है। और तीसरी चीज़ एक ये कि लोग शायद समझते हैं कि हम जो चबी म्याउज़ है ये कोई रेस्क्यू एनिमल टीम है, या फिर ये कोई
फाउंडेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी से किसी किस्म की कोई डोनेशन नहीं लेते, जो भी हम रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पेस होती है। अक्सर होता है कि एक आधा कोई रेस्क्यू केस होता है, उसको प्रॉपर टाइम देते हैं, तब भी ये इस तरह के जो केसेस हैं वो बच पाते हैं। और जो भी हम करते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करते हैं, और अपनी जेब से ही जो है वो पैसे, जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ही देता है। और आप लोग जो सपोर्ट करते हैं, आप लोग यहाँ पर आते हैं चभी में उस क्लिनिक के ऊपर, और ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने एनिमल्स का, शॉप करते हैं, चीज़ें लेते हैं हमसे, और वो जो उसमें से जो काफ़ी सारे पैसे होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि अपने ही जो यहाँ पे एनिमल्स आते हैं, रेस्क्यू एनिमल्स, उनके ऊपर लगाएं। और जो लोग हमारे पास आते हैं अक्सर रेस्क्यू केसेस ले के, उनको पता है कि हम यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं। तो मेरे कहने का यही मकसद है सारा, कि जो लोग कोशिश कहते हैं कि यार हम अडोप्ट करें, तो वो आते क्यों नहीं हैं। तो ये वीडियो जो है ये अडोप्शन के लिए है, अडोप्शन कॉल है इस पपी के लिए। तो कोशिश करें कि अगर आप लोग कोई विलिंग है इस पपी को रखने के लिए, हमने वैक्सीन कर दी अपने पैसों से, डिवर्मिंग कर दी है, ट्रीटमेंट की है, सारा कुछ किया है, लेकिन यार कोई अगर परमानेंट इसे होम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा इसके लिए। तो अगर कोई विलिंग है तो हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है, या फेसबुक पेज है, या मेरे पर्सनल जो मेरा अकाउंट है उस पर आके आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये अडोप्शन के लिए है, और कोई उसकी ख़ास शराइत नहीं है देने के लिए, सिर्फ जो केयरिंग फैमिली है उसको हम ज़रूर देंगे ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई इसको अडोप्ट ज़रूर करेगा, और जो आगे जब जैसे ही ये जाएगा, जाहिर सी बात है अगले एनिमल के लिए, जो अगला रेस्क्यू केस होगा उसके लिए जगह बन जाएगी यहाँ पे, हम उसको ला सकेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लिमिटेड स्पेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग काफ़ी कहते हैं कि हम अडोप्ट करेंगे, वो इस बार वाकई में आगे आएंगे, या फिर वो दोबारा इस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते तो आप वो चीज़ बोलें भी मत। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पपी की और ज़्यादा हेल्दी होने की दुआ ज़रूर कीजिएगा। हमारा काम पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबा लें नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।